अमित भाई, फ्लिपकार्ट दिवाली सेल कब से स्टार्ट हो रहा है, या फिर दिवाली सेल में कौन सा बैंक का कार्ड में डिस्काउंट दिया जाएगा, या फिर मैं रियलमी का ये वाला मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, पोको का ये वाला खरीदना चाहता हूँ, सैमसंग का ये वाला चाहता हूँ, वीवो का चाहता हूँ, ओप्पो का, इन्फिनिक्स का, या फिर टेक्नो का, काफ़ी सारा कॉमेंट आ रहा है भाई फ्लिपकार्ट दिवाली सेल को लेकर। तो आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट दिवाली सेल के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप फ्लिपकार्ट दिवाली सेल का वेट कर रहे थे, आप भी जानना चाहते हैं भाई यहाँ पर क्या कुछ ऑफर मिलेगा, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखो, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, अब तक का जो भी लीक्स वगैरह आया है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, यहां पर सबसे पहले आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट दशहरा सेल अभी भी लाइव है, अब इसका खत्म होने के बाद ही दिवाली सेल स्टार्ट होगा। तो काफी सारा भाई लोग मुझे कॉमेंट कर रहा है भाई दिवाली सेल एक्चुअली स्टार्ट कब से हो रहा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ ऑफर्स मिलेगा वो भी जान लेते हैं। काफी सारा भाई लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं, मुझे इन्फिनिक्स का ये वाला फोन खरीदना है, मुझे Realme का ये वाला फोन खरीदना है, मुझे Xiaomi का खरीदना है, मुझे Vivo का खरीदना है, मुझे Samsung का खरीदना है, Motorola का खरीदना है, या फिर Techno का खरीदना है, काफी सारा कमेंट आ रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर अभी आपको बता नहीं पाएगा कि एक्चुअली आप जो मोबाइल खरीदने वाले हो उसमें कितना ऑफर दिया जाएगा, कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, या फिर प्राइस कितना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक सेल लाइव नहीं हुआ है या फिर सेल के बारे में ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि फोन का प्राइस कितना होगा। लेकिन मैं आपको ये 100% बता सकता हूँ कि आप जो भी ब्रांड का मोबाइल खरीदने वाले हो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। यहाँ पर चाहे कार्ड में डिस्काउंट मिले, चाहे एक्सचेंज करके डिस्काउंट मिले, या फिर चाहे आपको मतलब COD यानी कैश ऑन डिलीवरी डिस्काउंट मिले, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मैं आपको बताता हूं। मतलब 100% पकड़ लो कि भाई आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ भाई ऐसा कमेंट कर रहा है भाई इस सेल में कौन सा कार्ड में डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो कार्ड में डिस्काउंट मिलेगा ना, एक बैंक का कार्ड में नहीं मिलने वाला है, दो तीन आपको बैंक का कार्ड में डिस्काउंट मिलेगा। और ये मैं आपको अपना अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं, एक लीक्स निकला था भाई कि यहां पर फ्लिपकार्ट का जो दिवाली सेल होगा वहां पर SBI का कार्ड में डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड में डिस्काउंट मिल सकता है। बट मैं ये 100% नहीं बता रहा हूं, ये लीक्स है भाई, जब लाइव होगा तभी हमें 100% पता चलेगा। तो फिलहाल आप मतलब SBI पकड़ के चलो, अगर दूसरा कोई भी कार्ड है आपके पास, आपके भाई के पास, रिश्तेदार के पास, तो उसको आप जुगाड़ करके रखो, क्योंकि भाई आपको भी पता है सेल जिस दिन स्टार्ट होता है ना उसी दिन रात को 12 बजे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है प्राइस इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में हुआ, आईफोन का प्राइस बहुत ही कम था जब सेल स्टार्ट हुआ था, बाद में धीरे धीरे ज्यादा कर दिया गया था। और हाँ, काफी सारा भाई ये भी कॉमेंट कर रहा है भाई, बहुत सारा यूजर ऐसा भी है जो कि आईफोन का वेट कर रहा है, मतलब आईफोन में जैसे कि बिग बिलियन डे सेल में प्राइस बहुत ही कम हो गया था, तो यहाँ पर बिग दिवाली सेल में आईफोन में क्या बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। तो भाई देखो, अगर आप आईफोन खरीदने वाले हो या फिर दूसरा किसी भी ब्रांड का मोबाइल खरीदने वाला हो, तो मैं आपको कहूँगा भाई, जब फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप के लिए सेल लाइव हो जाएगा ना उसी दिन आप परचेस करना। अगर आपके पास प्लस मेंबरशिप नहीं है तो आप ले लो, या फिर आप किसी के पास जिसके पास प्लस मेंबरशिप है उसको भाई कहो कि हाँ मेरे लिए एक मोबाइल परचेस कर दो। मतलब फ्लिपकार्ट का जो दिवाली सेल जब से स्टार्ट होगा ना उससे एक दिन पहले ही भाई प्लस मेंबरशिप के लिए सेल स्टार्ट हो जाएगा, और उसी दिन जो जो प्लस मेंबरशिप मतलब यूजर है वो तो भाई परचेस कर लेगा, तो कुछ मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा बाद में, या फिर कुछ मोबाइल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास प्लस मेंबरशिप है तो आप उसी दिन परचेस करना, आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। और आईफोन के बारे में बात करें तो यहां पर आईफोन में डिस्काउंट मिलेगा, बट कितना मिलेगा, कितना हद तक डिस्काउंट होगा, ये तो भाई सेल लाइव होने के बाद ही हम लोग कह सकते हैं, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आपको डिस्काउंट मिलेगा ये आपको 100% लिख के देता हूं। लेकिन कुछ भाई ऐसा भी कमेंट कर रहा है भाई, इंडिया पे 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया है, अब बहुत जल्द 5G भी मतलब हर जगह में फैल जाएगा, तो अभी हमें 4G फोन लेना चाहिए या फिर 5G फोन लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कुछ कुछ स्मार्टफोन ऐसा भी होता है जो कि 10-11 हज़ार में काफी अच्छा 5G देता है और काफी अच्छा फीचर्स भी देता है। जैसे कि BBD सेल में हमें देखने को मिला था सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, काफी अच्छा फोन था, 11 हज़ार के आसपास मिल रहा था ऑफर वगैरह लगा के। तो ऐसा फोन अगर कुछ मिलता है ना दिवाली सेल में तो आप 5G खरीदना, 4G मत खरीदना। और अगर आप सोच रहे हो भाई नहीं मेरा बजट 10 हज़ार के नीचे है तो फिर आप 4G में जा सकते हो, लेकिन 10 हज़ार के ऊपर प्राइस रेंज में सेल में भाई काफी अच्छा 5G फोन भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको 5G भी खरीदना चाहिए। अब दोस्तों फाइनली हम लोग बात करते हैं कि भाई फ्लिपकार्ट का जो दिवाली सेल है एक्चुअली में स्टार्ट कब से हो रहा है, काफी सारा भाई लोग दिवाली सेल का वेट कर रहा है। देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, दशहरा सेल अभी भी लाइव है, अब वो खत्म नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होने वाला ना, तो वो खत्म होगा 8 तारीख भाई, वो खत्म हो जाएगा कल शायद, वो
ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शायद 2-4-5 दिन या फिर एक हफ्ते बाद जो है दिवाली सेल स्टार्ट होगा। अब दिवाली सेल का डेट जो है अभी तक रिवील नहीं किया है भाई, थोड़ा सा सबर करो, आपको सारे ब्रांड का मोबाइल में डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आता है ना तो मैं आपको 100% लिख के देता हूँ भाई, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल का मतलब नोटिफिकेशन आइकॉन है ना उसको ऑल करके रखो, मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि भाई आप एक्चुअली कौन सा मोबाइल में डिस्काउंट चाहते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बता पाऊं। तो बताना जरूर कमेंट में। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।